हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एकदम इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। रेसिपी देखने से पहले चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बासमती राइस 1 कप। आप चाहें तो इस बिरयानी को सैला राइस के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बासमती राइस 1 कप। तो सैला राइस अगर आप ले रहे हैं तो पहले से ही 1 से 1.5 घंटे तक का आप उसको पानी में सोक कर लीजिएगा धोने के बाद। तो मैंने यहाँ पे लिया है बासमती राइस और इसे मैंने 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो इस चावलों को हमको भिगाना है कम से कम 45 मिनट्स के लिए। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड पर। तो वेजिटेबल बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं पहले से तैयार करके रखा है। तो हमें लेना है गाजर 1/4 कप, 1 शिमला मिर्च लेनी है हमें, प्याज हमें लेना है 1, और प्याज जिस तरह से हम चाइनीज़ के लिए कट करते हैं उसी तरह से मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट किया है। हरी मिर्च लेनी है, मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया है और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से स्लिट करके रखा है। और अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च जो है आप कम इसमें ऐड कर सकते हैं। फूल गोभी हम लेंगे 1/4 कप, ब्रोकली हमें लेना है 1/4 कप। अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है तो मत ऐड करिएगा, लेकिन अगर है तो ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पत्ता गोभी 1/4 कप, बीन्स 1/4 कप हमें लेना है। तो सारी सब्जियां मैंने 1/4 कप लिया है और साथ में मैंने आलू भी कट करके ऑलरेडी पानी में रखा है और हमें आलू लेना है 1 आलू। और इसके साथ में ही हमें लेना है हरी मटर 1/4 कप, और आप चाहें तो इसमें जो फ्रोज़न हरी मटर आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ गरम मसाले लेने हैं यानी कि 2 तेज़पत्ता, और हमें लेना है 4 छोटी इलायची, 1 छोटा सा हमें स्टिक लेना है दालचीनी का, और जावित्री 1 छोटा सा स्मॉल पीस हमको लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 प्याज आप स्लाइस कर लें और अच्छी तरह से इसे जो तेल में है गोल्डन ब्राउन होने तक का हमें इसे डीप फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने करके पहले से ही प्याज को तैयार कर लिया था। और अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और इसमें जो हमने प्याज जिसमें हमने तला था वही तेल मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। बिरयानी बना रहे हैं तो थोड़ा सा तेल जो है हम ज़्यादा ही इसमें यूज़ करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगी तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह से मैंने चॉप करके रखा है। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक ये अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बिल्कुल हम मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हम अच्छी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। और इसी बीच में हमें इसमें जो हमने जो हमारे होल गरम मसाले थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज में कितना अच्छा एकदम कलर आ गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने थोड़ा सा पानी में ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिससे कि ये जो बहुत ज़्यादा तेल में जो है एकदम फूटे नहीं। तो बस अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आप भून लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसके साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से आप भून लीजिए जब तक इनका जो कच्चा स्मेल है ना चला जाए। और मसाले जले नहीं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें से एकदम तेल ना निकल आए। तो अब आप देख सकते हैं मसाले से जो किस तरह से है तेल आ गया है। तो अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर इस तरह से चॉप करके रखा है। और अब टमाटर को जो है हम एकदम गलने तक का अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। और इसके साथ में ही इसमें हमने जो हरी मिर्चें लिए थे वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे।
अगर हम बिरयानी में इस तरह से हरी मिर्चें ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का उस बिरयानी में, तो ज़रूर से आप हरी मिर्च इस तरह से आप ऐड करें। तो अब आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है एकदम अच्छी तरह से एकदम गल गए हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हम ऐड करेंगे, अब इस मसाले में हमें दही ऐड करना है। तो दही जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/2 कप, और दही आप अच्छी तरह से इस तरह से पहले आप फेंट लीजिए और उसके बाद ही आप इस मसाले में ऐड करें। एक बात का ज़रूर से आप ध्यान रखें कि बिरयानी बनाते वक्त बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल मत करिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब आप मिक्स कर लीजिए और दही को हमें 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसे भूनना है। तो अब आप देख सकते हैं दही जो है बहुत अच्छे से भून गई है, सारा मसाला हमारा रेडी है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 आलू। तो आलू मैंने सबसे पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा पकने के लिए सब्जियों में। तो ये हो गया आलू, और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस बिरयानी में मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमें क्या करना है, इस मसाले के साथ में सारी सब्जियों को हमें मिक्स करना है। तो हमारी सब्जियां यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद मिला लीजिए अच्छे से, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सब्जियों को हम कुक करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास जितना पानी इसमें ऐड किया है। सब्जियों को हमें सबसे पहले तो 80% तक कुक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो अब इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मटर। अगर आप फ्रोज़न मटर ऐड कर रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी में, तो जब सब्जियां पूरी पक जाएगी तब आप फ्रोज़न मटर ऐड करें। अब लिड लगा के 10 मिनट के लिए सब्जियों को हमें कुक कर लेना है, और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी 80% तक बिल्कुल कुक हो गई है। और अब इसे हम रखते हैं साइड पे और बनाएंगे अब हम चावल। बिरयानी के चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बर्तन में 1 लीटर पानी लिया है, और इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब चावलों में अच्छा सा एक फ्लेवर लाने के लिए इसमें 2 इलायची ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो दालचीनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और ये है केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। तो अब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे चावल। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया चावल, और चावल जो है बिल्कुल हमें 80% तक का कुक करना है, बहुत ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब अच्छे से पानी में बॉईल आने दें, और इसी के साथ हमारे चावल एकदम खिले खिले बने, उसी के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और अब मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। केवड़ा वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर हैं तो ज़रूर से ऐड करिएगा। तो बस आप इस तरह से अब मिक्स कर लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट कुक हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ हमारे चावल जो हैं, ये देखिए बिल्कुल 80% तक का हमें कुक करना है, ये एकदम कच्चे भी नहीं हैं और पक भी गए हैं। जब हम बिरयानी दम पे पकाएंगे तब हमारे चावल एकदम परफेक्ट कुक हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से चावलों को अब निकाल दे रही हूँ, और अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो बिरयानी है यानी कि जो हमारा वेजिटेबल बिरयानी का वेजिटेबल है, उसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से गरम कर लिया है, और देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रेवी भी इसमें बाकी बचा हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम बिल्कुल चावलों की जो हमारी लेयर है वो हम इसमें डाल देते हैं।
और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हमारी तली हुई प्याज। तली हुई प्याज में मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हमें क्या करना है, इस तरह से आप थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर दे बिरयानी पे, इससे जो है चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब थोड़ी सी हरी धनिया लेना है, हरी धनिया इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर आपके पास पुदीना पत्ता है तो आप पुदीना पत्ता भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब एक एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए और इस तरह से हम कढ़ाई पे लगा देते हैं और इसके ऊपर हम रख देते हैं इसका लिड, और अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके आप पूरा जो लिड है उसे आप पैक कर लीजिए। अब दम के लिए रखेंगे हम बिरयानी को बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए, यानी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स हो गई है, चलिए अब हम लिड खोल के देखते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है हमारी वेजिटेबल बिरयानी, चावल भी बिल्कुल परफेक्ट एकदम कुक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आप बिरयानी को मिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस तरह से चावलों को सब्जी के साथ मिक्स कर लेना है। तो एकदम झटपट हमारी वेजिटेबल बिरयानी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है, एक प्लेट में आप इसे सर्व कर लीजिए। और बिरयानी को आप कोई भी रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे और भी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं, राइस की रेसिपीज़ हैं, मैं उन सारी रेसिपीज़ की लिंक ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर से उन रेसिपीज़ को देखें और ज़रूर से ट्राई भी करें। रेसिपी मेरी ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।